सोनी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अच्छा से मैडम, मुझे सिर्फ अपने लोकल चैनल पे इकबाल की अम्मी का एक मैसेज टेलीकास्ट करना है, जिसमें वो इकबाल से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कोई ऐसा काम ना कर दे वो जिसकी वजह से उसकी अम्मी को नुकसान पहुंचे, और बस जल्दी से घर वापस आ जाए, हो जाएगा काम। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि कई दिन से मेरे इंसानियत का अकाउंट खाली पड़ा हुआ था, इसी बहाने थोड़ा डिपॉजिट हो जाएगा। मैं फातिमा, इकबाल की दोस्त, मुझे SHO मैडम हसीना जी से मिलना था। हमी हसीना मलिक, आप तो कल आने वाली थी ना? वो जिन मैडम से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो एक करिश्मा सिंह करके मैडम थी, उन्होंने मुझे गलत एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। करिश्मा मैडम? नहीं, हमसे गलती हो ही नहीं सकता है, आपसे गलती हुआ होगा, हमें दिखाइए आप। ये देखिए, आपको लिखना था महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, उसकी जगह आपने लिख दिया गोमती नगर पुलिस थाना, बिल्कुल ऑपोजिट। और हम गलती से चले गए थे गोमती नगर पुलिस थाने में, तो हमें रात को देरी हो गई, तो सोचा सुबह आ जाएंगे। पता नहीं कैसी गलती हो गई हमसे, समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे से जानती हैं इस केस की सीरियसनेस क्या है, एक एक सेकंड मायने रखता है, आप ऐसे कैसे ये गलती कर सकती हैं? गलती है हमारा मैडम सर, इतना सीरियस सिचुएशन में हमसे ऐसा लापरवाही हो गया, ये बहुत गलत बात है, हम आपसे माफी मांगते हैं और आपसे भी माफी मांगते हैं। प्लीज बी अलर्ट, आप हमारे साथ आइए। क्या तुमको अपना अपील रिकॉर्ड नहीं करना है? करना ना, मैं कैमरा भूल गया, कैमरा लेके आता हूँ। मैं फातिमा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती हूँ। हमको तो कहती रहती काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, किधर रहता है आपका ध्यान? हाँ, बस ताने हमको मारती रहती है। बहुत प्यार करते थे इकबाल और मैं एक दूसरे से, उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। क्या कहा? शादी करेगा? मेरे इकबाल ने मुझसे कुछ नहीं कहा था शादी के बारे में। और क्या नाम बताया अपना? खाना पकाना तो जानती हो ना, तो घर में कौन कौन है तुम्हारे? बीवी ढूंढ ली और अम्मी को बताया तक नहीं। अरे नूरजहां जी, हर दूसरे घर में यही हालात है, अब क्या बताएं हम आपको। हमारा लल्ला जो है ना, उसने भी लड़की पसंद कर ली थी मगर हमको नहीं बताया था, सीधा शादी करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा कर। वो हमारी तो कहानी है ही ऐसी दुख भरी, जाने दीजिए। फातिमा, जब से लॉकडाउन लगा इकबाल बहुत बदल गया था, बात बात पे झगड़े करने लगा था, झगड़े इतने बढ़ गए कि मेरा तो शादी से मन ही हट गया, इसलिए मैंने अपने पापा से बोला कि मेरी शादी कहीं और करा दे, और कुछ दिन पहले मेरी सगाई भी हो गई। और कल अचानक से एकदम इकबाल आया और मुझसे माफी मांगने लगा। क्या? हाँ, अपनी गलतियों के लिए, जो उसने वादा पूरा नहीं किया शादी का, वो बहुत शर्मिंदा था, वो चाहता था कि मैं उसे सब गलतियों के लिए माफ कर दूं। फिर वो चला गया। आप प्लीज रिलैक्स पुष्पा जी। चला गया मतलब? कुछ कहा नहीं, कहाँ जा रहा है, कोई भी कोई हिंट की जिसे हम उसे ढूंढ पाए? नहीं, मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। चीता से कहिए एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करे जल्दी। यस मैडम सर। माफ कीजिएगा सर, लेकिन एक सवाल है हमारा, इसे ही पर्सनल लेवल का उत्सुकता व समझाना चाहते हैं कि आप बिना मरीज को देखे उसका प्रॉब्लम कैसे पकड़ लेते हैं सर? क्या भाई, साइकोलॉजी पढ़े हो फिर भी पूछ रहे हो? जानते ही हो कि बॉडी लैंग्वेज सब बताती है, अब तुमको ही देख लो। तुमको देख के कोई भी बता सकता है कि तुम इस लड़की को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सर, आप बिना नब्ज देखे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं। मतलब 2 सेकंड में 200 बार इस लड़की को देखते हो,
बॉडी का 75% हिस्सा लड़की की तरफ झुका हुआ है। बेवजह देख के शर्माते हो, बेवजह देख के मुस्कुराते हो, तो कोई भी बता देगा कि इस लड़की के प्रति तुम्हारा झुकाव ज्यादा है। अब इनको देख लो, ये अपनी बहू से परेशान है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी ये अपने बहू को देख रही हैं, तो इन दोनों की नजरों में सास बहू साफ नजर आ रही है। अब ये लड़की को ही देख लो, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि यहां आईक्यू का बहुत बड़ा अकाल है। और ये प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप जरा मुद्दे पर आएंगे। कौन सा मुद्दा? इकबाल। हाँ हाँ, इकबाल नाम का लड़का है जिसने ये लेटर लिखा है। ठीक है, ये लिखने से पहले वो दो लोगों से मिला, अपनी गर्लफ्रेंड से और टीचर से, दोनों से माफी मांगी और तब से गायब है। आपको क्या लगता है कहाँ गया होगा, कहाँ ढूंढे हम उसे? कहाँ गायब है, कहाँ ढूंढी उसको? उस लड़के ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है, एकदम साफ साफ लिखा है सर, पढ़ा जा सकता है। अकाल तो है। हाँ, तो उस लड़की ने इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि उसने अपने दोस्त का पैसा डुबो दिया है, उसे इस बात का अफसोस भी है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये लड़का अपने दोस्त से मिलने जरूर जाएगा, क्योंकि उससे मिलके वो माफी मांगेगा, ये मेरी समझ कहती है। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। मैडम से संतोष शर्मा, आप और चीता थाने जाइए, हमारे ऑर्डर्स का वेट करिए और आप दोनों हमारे साथ चलिए, क्विक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे मैडम सर, हम जा कहाँ रहे? इकबाल ने अपने लेटर में जिस दोस्त का जिक्र किया था, उसका हमने पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम है रंजीत, लेकिन इकबाल अभी तक उससे मिलने पहुंचा नहीं। तो मतलब जब इकबाल रंजीत से मिलने आएगा, तब हम इकबाल को कस्टडी में ले सकते हैं और उसकी जान बचा सकते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा सोचती हो ना कि आप SHO बन जाओगी, ऐसा मत सोचो, कि ऐसा सोचो कि आप SHO बन गई हो। वैसे SHO बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। मैडम सर धन्यवाद। पुष्पा जी, वैसे क्या लगता है आपको? क्या लगना चाहिए मतलब? आपका सपना है, आप बताइए हमें क्या लगना चाहिए। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी कि पुलिस ऑफिसर को एकदम फिट होना चाहिए? हाँ हाँ, मगर आप कहाँ इतनी मोटी हैं? हम आपका बात कर रहे हैं पुष्पा जी, हमें अपने टीम में ना एकदम फिट ऑफिसर्स चाहिए, इसलिए हमने तय किया है कि आज से हर रोज आप 10 किलोमीटर का दौड़ लगाएंगे। 10? बस मैडम चलिए, घर आ गया उसका। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं मैडम, ये लीजिए। सुबह के 5 बज गए मैडम, अगर इकबाल को आना होता तो पहले ही आ जाता। थैंक यू मैडम। मेरी मानिए तो आप लोग जाइए, आराम करिए, अगर इकबाल आता है तो मैं आप लोगों को फौरन कॉल करता हूँ। नहीं, हम कुछ देर और रुकना चाहेंगे। कितने अफसोस की बात है कि मेरा ही दोस्त होकर मुझे ही नहीं समझ पाया। क्या पैसा उससे बढ़कर था? मैडम, इकबाल का वीडियो है मैडम। क्या पुष्पा जी? क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं, लेकिन यार सच कहूं तो अब तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए, और मैंने तेरे सारे पैसे डुबो दिए यार, और अब तो वापस करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। एक मिनट प्ले। क्या रंजो, कैसा है भाई? यार चाहता तो था तुझसे खुद आकर मिलूं। ये आवाज बैकग्राउंड में जो ये आवाज है, ये किसी रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट जैसा लग रहा है। इसका वॉल्यूम, गाड़ी नंबर, सच कहूं तो अब
तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं बची। तूने कितना भरोसा और यकीन करके मेरे धंधे में पैसे लगाए। ये वीडियो हमें तुरंत सेंड करिए। जी मैडम। हेलो। हेलो संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पता लगाइए कि नौचंदी एक्सप्रेस सुबह 5 बजे कौन से स्टेशन पर आती है। साथ में हम आपको एक वीडियो भेज रहे हैं, वो चेक करिए। ये वीडियो अभी अभी इकबाल ने भेजा है। जी मैडम सर। इकबाल अभी वहीं कहीं है, उसी रेलवे स्टेशन के पास की किसी बिल्डिंग के ऊपर। चेक करके बताइए हमें। ओह नो। क्या हुआ मैडम सर? ये रेलवे स्टेशन ठीक हमारे थाने के पीछे है। व्हाट? एक काम करिए, आप एग्जैक्ट लोकेशन भेजिए, उसका फोन अभी चालू है, जल्दी। थैंक यू। वेलकम मैम। इकबाल, इकबाल रुक जाओ। इकबाल नहीं नहीं रुको रुको। इकबाल रुको, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ बेटा। इकबाल रुक जाओ, देखो ऐसा मत करो प्लीज, अपनी अम्मी के बारे में तो सोचो एक बार। तुम चले गए तो उनका क्या होगा ये तो सोचो। देखो इकबाल प्लीज ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। तुम जो करने जा रहे हो वो किसी चीज का हल नहीं है। मुश्किलों से लड़ना पड़ता है, उनसे हार मानने से कुछ नहीं होता। देखो जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, पहले तुम नीचे उतरो। मैडम सर आप बेकार वक्त खराब कर रही हैं, वो कुछ भी समझने का कंडीशन में नहीं है, उसको देखिए आप हमें जाने दीजिए आप। नहीं करिश्मा सिंह, ये वक्त जोर जबरदस्ती का नहीं है, हमें बहुत प्यार से डील करना होगा, हमें उसे समझाना होगा कि जिंदगी उतनी यूजलेस नहीं है जितना वो समझ रहा है। नहीं मैडम सर, हमारी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं, हमारे पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो इकबाल। इकबाल ये क्या कर रहे हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, मत कूदो। नहीं इकबाल, नहीं इकबाल कूद जाएगा, हमें जाने दीजिए। तुम जिंदा? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। यहाँ कैसे? ये तो जाने, अरे ये तो महिला थाना का जिम है, हम यहाँ कैसे आए? हाँ हाँ हम आपका केस समझ गए बहन जी, आपके पति पान खाकर कपड़े गंदे करते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए ना, उनके कपड़े धोना ही बंद कर दीजिए। खुद कपड़े धो देंगे ना तो फिर देखो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हाँ अच्छे से लिया। अरे बहुत बढ़िया, देखिए सारा बहुत फिर बढ़िया। से ले। हाँ क्या ये संतोष जी क्या कर रही हैं आप? ये ऐसे कैसे पूछ दे रही हैं आप, कैसी हैं? हे पापी बिल्ला, अब तुम बताओ कि संतोष जी को ये पोज कैसे देते हैं? नहीं नहीं बता नहीं रहे, मतलब समझा रहे हैं ऐसे ऐसे। नहीं समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? हाँ तुम खुद करके दिखाओ। अच्छा चैलेंज? चैलेंज एक्सेप्ट। शो मी। आ जाओ इधर। तुम किसी अच्छा डॉक्टर? अटेंशन अटेंशन, गुड न्यूज है सबके लिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो ऐसा है, हमारा रास्ता हो गया है साफ, क्योंकि मैडम सर ने हमें हमारा सीआर रिपोर्ट दे दिया, वो भी एकदम फुल मार्क्स के साथ, और स्पेशल लाइन भी लिखा है पुष्पा जी कि हम बहुत ही होनहार और सक्षम पुलिस ऑफिसर है, तो हमारा बस ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा और हम यहाँ से हो जाएंगे एकदम फुर। अब आप लोग ये समझिए कि आपके सामने गोमती नगर की SHO खड़ी हैं। इस बात पे मिठाई हो जाए। एक मिनट करिश्मा मैडम, एक बार डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हसीना मैडम ने आपको इतनी आसानी से सीआर कैसे दे दिया? हमें कोई सीआर वीसीआर नहीं मिला है इनको, दिन में सपने देख रही है वो भी खुली आंखों से। हसीना मैडम और इनको सीआर देगी, हो ही नहीं सकता, असंभव। लपेटे में ले रही है सबको।
पुष्पा जी खुली आंखों से देखे सपने ही सच हुआ करते हैं, बंद आंखों से देखे सपने ना आंख खुलने के बाद पूरा याद भी नहीं रहते। मिठाई खाएंगी आप? व्रत है आज हमारा। अच्छा मैडम, ये क्या है सब? हमारा बिल्लू, तुम मिठाई खाओ बे। हम तुम्हारे दिए हुए फॉर्मूले में अपना एडिशन करते हैं। अब हम विजुलाइज नहीं करते, हम प्रटेंड करते हैं कि हम ऐसे जो बन रहे हैं। तुम ना मजा। क्या बात है, किस चीज की मिठाई बट रही है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। क्या है ये सब? मैडम सर, करिश्मा सिंह आपका हाथ कैसा है? हाथ अब पहले से बेहतर है। मिठाई इस खुशी में बट रही है कि आपने हमें सीआर रिपोर्ट जो दे दिया फुल मार्क्स के साथ। बस हमारा ट्रांसफर ऑर्डर आने वाला है, फिर हम आपके जज्बातों के पिंजरे से छूटकर आजाद हो जाएंगे और अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। खाई? नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। आप खाइए मिठाई, सबको खिलाइए और फिर हमारे केबिन में आइए। जी। और हाँ, इकबाल की अम्मी बार बार हमें फोन कर रही है, उनसे कहिए कि नगर पालिका जाकर इकबाल का डेथ सर्टिफिकेट ले ले। यस मैडम सर। आप आइए मिठाई खा के। जी खा लीजिए पुष्पा जी, अच्छी मिठाई है। डेथ सर्टिफिकेट हमारा? मुझे तो बुरा लग रहा है इकबाल के लिए, ऐसी मौत ना भगवान किसी को ना दे। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो झुरमुरी दौड़ जाती है पूरे शरीर में। बहुत भयानक मौत मरा है इकबाल, इतने ऊंचाई से गिरा और टमाटर सा फट गया बेचारा। तो बुरा मौत, सही बात है, मौत तो बहुत खराब था उसका। इकबाल 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 का तो कछुंबर निकल गया, मगर हमको समझ में नहीं आ रहा है साथ गिरी करिश्मा मैडम का सिर्फ हाथ टूटा, सिर्फ हाथ। हे भगवान, ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा, ये कैसा इंसाफ है। एक बेचारे की जान ली और एक को जान बख्श दी। अरे 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 अरे, जिंदा है हम, ये सामने देखिए, देखिए बिल्कुल सही सलामत खड़े हैं, बाल तक बाका नहीं हुआ हमारा। अरे अरे अरे, हेलो चिता भैया, संतोष जी, पुष्पा जी, बिल्लू बिल्लू भाई। अरे यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, हमें देख क्यों नहीं रहे हो? अरे जिंदा है यार, बिल्कुल सही सलामत ऐसा। अरे अरे दिख तो रहे हैं तुम लोगों के सामने। ओए ओए बेचारा एक बार, अगर बाल बराबर भी लगता ना कि वो ऐसा कोई कदम उठाने वाला है, हम उसका बाल तक बाका नहीं होने देते। अरे पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप, तो जिंदा है ये देखिए। मगर अच्छा हुआ कि वो बाल बच्चे वाला नहीं था, वरना क्या होता उनका। पुष्पा जी पुष्पा जी, संभालिए संभालिए अपने आप को, जाने वाला गया। कौन चला गया, इधर सामने खड़ी दिख नहीं रहा आपको? पुष्पा जी इतना क्यों दुखी हो रहे हो आप, ओवर एक्टिंग मत करो। चीते अरे ये बाल, एक एक बाल चुन चुन के काटता था मेरे, अब मेरे बाल कौन काटेगा? एक बाल, अबे होंगे तो ना कोई काटेगा, बाल काटेंगे सर पे बाल भी होने चाहिए, उजड़ी हुई बंजर जमीन, गिनती के 13.5 बाल है तेरे सिर पे, तेरे जिंदा इधर दे, इधर काट खा जाए भुक्का रे जिंदा इधर सीधे। बिल्ले बिल्ले बस बिल्लू बस, चुप हो जा और याद ना दिला हमको उस बाल की। हमारा बाल बाल, हमारा बाल बाल रो रहा है उसके लिए। क्या है ये बाहर, क्या ओवर एक्टिंग चल रही है? हमसे पूछे मैडम सर, हमारी सासू माँ है, हम जाते साते आते साते एक ही घर में खाते साते, सोचे कि हम पर का बीतता होगा पूरा दिन। आप भी कुछ कम नहीं है, क्या था ये सब बाहर? सीआर रिपोर्ट मिल गई है, प्रमोशन मिल गया है एंड ऑल दैट। हम तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है, आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। एक्शन तो आपने तब भी बोल दिया था जब हम इकबाल को बचाने के चक्कर पे छत से कूद पड़े थे। आप जाने दीजिए। करिश्मा मैडम आप ठीक तो हैं?
हाँ बस हल्का सा लगा, ज्यादा नहीं लगा। और इकबाल? इकबाल ठीक है, वो लगता शॉक की वजह से बेहोश हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, इन्हें थाने लेकर चलिए। उतारी उतारी नीचे। ये तो अच्छा हुआ मैडम सर, वक्त रहते संतु ने इकबाल का लोकेशन ट्रैक किया और आपने बिल्डिंग के नीचे नेट लगवाए, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। बस भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए कि इसको पता चले जीवन कितना अमूल्य है। इसको होश में तो आने दो एक बार, फिर ऐसा सबक सिखाएंगे ना इसे कि इसके दिमाग का सारा कचरा साफ हो जाएगा। अनबिलीवेबल, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलता है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से उससे बात करने से वो ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह जो खुद अपनी जान देने पर तुला हुआ है, वो आपसे क्या डरेगा? प्रॉब्लम इकबाल में नहीं है, उसकी सोच में है, और उस सोच को हमें बदलना है। उसके दिमाग से ये सारे नेगेटिव थॉट्स निकालने हैं हमें, उसे जिंदगी की अहमियत का एहसास कराना है। आप बताइए मैडम सर, हमें क्या करना है? वही जो हमने डिसाइड किया था। प्लान याद है सबको? सब है हमारे साथ? यस मैडम सर। ओके ओके, तो आप एक और बात प्लान ध्यान से सुनिए। जैसे ही इकबाल होश में आ जाएगा, हम सबको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि वो मर चुका है। मैडम सर, मैं भी ना। सब है ना प्लान में? हाँ। तो हाँ, तुम भी। संतु। ओके, ना हमें दिखाई दे रहा है, ना हमें सुनाई दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वो हमारे आसपास भी आए तो हमें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे वो है ही नहीं। क्लियर? हाँ हाँ, मतलब वो सामने होते हुए भी उसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी। जी, हो जाएगा। उसके बाद मैडम सर? उसके बाद ये आपके निर्देश का पालन। आप इकबाल का सोच पॉजिटिव करने के लिए उसकी मौत का ढोंग कर रही थी, तो हम अपने सीआर के लिए ऐसा पॉजिटिव सोच रहे थे कि हमें भी मिल गया है हमारा सीआर रिपोर्ट, हमारा भी प्रमोशन हो गया है, हमें भी ट्रांसफर मिल गया है, हम भी बन गए हैं एसएचओ। आप जा सकती हैं। इकबाल दोबारा सुसाइड करने की कोशिश ना करे, इसलिए हमें कुछ भी करके इस प्लान को कामयाब करना ही होगा।